أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. अज़ीज़ान ग्रामी क़द्र, नाज़रीन कराम, अब तक हमारी और आपकी गुफ्तगू जो दुआ के सलीक़े, दुआ के आदाब, दुआ के तरीक़े और दुआ के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, उसी सिलसिले कलाम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हमने आपकी ख़िदमत में ये बयान किया था कि खुदावंद आलम की बारगाह में आप जब भी आएँ तो दुआ करने का वही तरीक़ा अपनाएँ, इस्तेमाल करें, या उस तरीक़े पर चलें कि जिस तरीक़े पर मासूमीन अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। यानी गोया हम उन दुआओं को पढ़ें, उन दुआओं की ज़्यादा तिलावत करें कि जो दुआएं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें ताकीद की है, जिसकी तरफ अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें मुतवज्जे किया है। यानी दुआएं मासूरा पढ़ें, कोई ऐसी दुआ ना पढ़ें जो अपनी तरफ से गढ़ी गई हो, बनाई गई हो, जिनको हम कहा जाए कि जाली दुआएं हों। इसलिए कि बहुत सारी मार्केट में जाए, अगर आप देखेंगे कि दुआओं की किताबों में ऐसी भी है कि जिनका कोई तस्करा जो है रिवायतों में हदीस में मौजूद नहीं है। और अगर इसको आपको मुफस्सल अगर इस बात को जानना है तो आप अगर मरहूम शेख अब्बास कुम्मी की मफातिल जना अगर आप पढ़े तो उसमें बाकायदा उन्होंने जो है इस तरफ एक जगह इशारा भी किया कि बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं कि जो मनगढ़ंत है, कि जिनका कोई ताल्लुक अहमा अलैहिस्सलाम से अहमा अहले बैत से नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि जो मासूरा है ना, गैर मासूरा से हट कर या हमने जो दुआएं बनाई उनसे हट कर हम अहमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलमात, उनके अल्फाज, उनके तमाम के तमाम जुमलों को इस्तेमाल करें। इसलिए कि उनके जुमले सिर्फ जो है दुआ नहीं है, बल्कि उसमें तामीर किरदार, उसमें किरदार साजी, उसमें जो है आदाब ज़िंदगी, सलीक़े ज़िंदगी, मांगने का तरीक़ा, ये तमाम असरार और रुमूज जो है अहमा अलैहिस्सलाम की दुआओं में आप हजरात को मिलेंगे। लिहाजा अगर दुआ करना है तो उन्हीं दुआओं से जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेफादा करना है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से हम तक पहुँची हैं। जैसे कि दुआ कुमैल, दुआ तवस्सुल, दुआ मदबा या और दीगर दुआएँ कि जिनको आप सुनते हैं और पढ़ते हैं और जिनकी तलावत करते हैं बाकायदा दुआओं की किताबों में, जैसे कि मफाती और दीगर दुआओं की किताबों में मौजूद हैं। और बिलखसूस चूँकि माह मुबारक रमज़ान चल रहा है और इस माह मुबारक रमज़ान में कुछ दुआएँ हमारे यहाँ दुआओं की किताबों में मौजूद है और जिनका तस्करा आप बार बार सुनते आते हैं कि इन दुआओं को माह मुबारक रमज़ान में पढ़ना चाहिए, कि जैसे कि मसलन दुआ कुमैल, दुआ इफ्तिताह या और दीगर दुआएं जैसे सहर की दुआ या और भी दीगर दुआएं जैसे कि इफ्तार की दुआएं, ये तमाम की दुआएं भी जो अहमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन दुआओं की तिलावत करें। एक और दूसरी अहम बात और पैगाम जो मैं आप हजरात की खिदमत में ये पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि हम सिर्फ दुआएं पढ़ें नहीं, चूंकि आमतौर पर हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या होता है कि हम सिर्फ दुआओं को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है, हमारे तमाम मौजिस नाजरीन से, सामाइन से या उन तमाम अफराद से कि जो जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, और मेरी गुजारिश है कि और दीगर मोमिनीन तक भी इस पैगाम को नश्र किया जाए कि हमारा काम सिर्फ दुआओं का पढ़ना नहीं है। हम क्या करते हैं कि जब शब जुमा आती है, तमाम मोमिनीन जमा हो जाते हैं मस्जिद में, इमाम बारगाह में, घर में रिकॉर्डिंग के जरिए से या फिर जबानी जो है दुआ पढ़ना एक आदमी शुरू कर देता है और लोग जो है दुआ पढ़ना जो है शुरू कर देते हैं। हम ये देखते हैं बहुत से अफराद जो है सोते हैं, बहुत से अफराद ऊँगते हैं, बहुत से अफराद का जहन जो है मोबाइल में होता है, दीगर जगह पर आकर अगर आपने देखा होगा अपने करीब में जो मस्जिद है, इमाम बारगाह है, अक्सर जब दुआएं होती तो अक्सर हमारे नौजवान जो बरादरान हैं वो मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। इसलिए उनका ताल्लुक ये है कि उनके कानों में कोई आवाज़ पड़ रही है, जिस तरह से और दीगर आवाज़ आती है इसी तरह से दुआओं की आवाज़ भी उनके कानों तक पहुंचती है। या हमारे घर में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है कि टीवी पर, टेप रिकॉर्ड और दीगर चीज़ों के जरिए से, मोबाइल के जरिए से वो दुआएं सुनती है लेकिन अपने घर के दीगर कामों में भी मसरूफ रहती है। जबकि
अजीजान ग्रामी, आप याद रखिए कि दुआओं को सुनना या दुआओं का पढ़ना इतना कारगर नहीं है, इतना मुफीद नहीं है कि जितना उनको समझना। जैसा कि कुरान मजीद ने भी हमें समझने की दावत दी है, यकीनन कुरान की तिलावत एक शरफ है, एक फजीलत है, यकीनन कुरान की तिलावत का बहुत ज्यादा सवाब है, बिलखसूस माह मुबारक रमजान में कि जो बाहर कुरान है, जहां एक एक लफ्ज जो है सवाब रखता है, एक एक आयत जो है कुरान का पूरा सवाब रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां पढ़ने और तिलावत के जो है सवाब रवायतों में जिक्र है, जहां आयतों में जिक्र है, वहीं कुरान ने हमें कुरान को समझने की भी दावत दी है। जैसा कि खुद कुरान ने पहले मरहले पे हमसे कहा कि हम तिलावत करें, कुरान को पढ़ें, फकरो मा तयसर मिनल कुरान वरतिलुल कुरान तरतीला, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने सिर्फ हमें तिलावत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसके बढ़कर हमें आवाज दी, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फाला, कि आप कुरान को समझते क्यों नहीं, आप कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, आप कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते, आप कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या आपके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ दुआओं की तिलावत करना, कुरान की तिलावत करना अहमियत नहीं रखता, सिर्फ जो है इसको पढ़ना अहमियत नहीं रखता। यकीनन ये सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वाकई इन दुआओं के जरिए से हमें कुछ हासिल हो, इसलिए कि दुआ सिर्फ जो है तलब हाजत का एक जरिया नहीं है, सिर्फ मांगने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक दर्स है। याद रखिए अम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो दुआएं हम तक पहुंची हैं, इसमें मारिफ़े इलाही, मारिफ़े तौहीद, मारिफ़े अधियान, मारिफ़े उलूम जो है इन तमाम दुआओं में मौजूद है। ये हमारे तामीर किरदार में बहुत मौसर है, इसी के जरिए से हम अपने किरदार को दुरुस्त कर सकते हैं, इन्हीं दुआओं के जरिए से हम अपने अखलाक और अपने तमाम किरदार को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि हम सिर्फ दुआओं की तिलावत तक अपने आप को महदूद न करें। मेरी आपसे गुजारिश है, नौजवानों से, अपने हमसे इनकम से भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, जहां जहां तक मोमिनीन इस पैगाम को सुन रहे हैं कि माह मुबारक रमजान ये गनीमत का मौका है, बिलखसूस जबकि हम अपने घरों में बंद है, काम धंधा भी मौजूद नहीं है, लोगों के पास काफी वक्त है, हमें चाहिए कि हम इन दुआओं को समझने की कोशिश करें। चाहे पूरे माह मुबारक रमजान में आप एक ही मर्तबा दुआ इफ्तिताह पढ़े, लेकिन कोशिश करें कि दुआ इफ्तिताह को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें कि दुआओं के कलमात क्या है। चाहे पूरी आप माह मुबारक रमजान में एक मर्तबा दुआ कुमैल की तलावत करें, लेकिन समझने की कोशिश करें कि मौला अमीर अल मोमिनीन दुआ कुमैल में क्या कह रहे हैं। इसलिए कि पढ़ना हमें सवाब मिल जाएगा, लेकिन जरूरी है कि हम अगर अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने समाज में, अपने माशरे में, अपने कल्चर में, अपने खुद अंदर अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं, चेंजिंग लाना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इन दुआओं की तिलावत करें। क्योंकि इन दुआओं की तिलावत और तिलावत के साथ इनको समझना, तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना हमारे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। लेकिन हमारे पास बेहतरीन वक्त है इस माह मुबारक रमजान में, बिलखुसूस जबकि इस बीमारी की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, हम दुआओं को समझने की कोशिश करें, मारफत दुआ हासिल करने की कोशिश करें कि मौला अमीर मोमिन क्या कह रहे हैं, मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मौला इमाम हसन क्या कह रहे हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुआ में क्या कह रहे हैं। यकीनन ये हमारे लिए एक अवीम सरमाया है, किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत, किसी भी कबीले के पास, किसी भी दीन के पास इतना सरमाया नहीं है कि जितना हमारे पास दुआओं की शक्ल में सरमाया मौजूद है। खुदा की कसम अगर हमको दीन समझने के लिए अगर सिर्फ हम दुआओं पर इक्तफा करें, तो इन दुआओं के जरिए हम दीन समझ सकते हैं कि दीन क्या है। अगर हमको खुदा को समझना है, खुदा की कसम हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें फलसफा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें साइंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अगर खुदा को समझना है, अगर आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सिर्फ दुआओं को हम समझे, तो यकीनन हम खुदा को वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि उसको समझने का हक। अगर हम दीन को समझना चाहते हैं, तो खुदा की कसम इन दुआओं के जरिए से हम दीन को समझ सकते हैं। अगर हम शरीयत को, इस्लाम को समझना चाहते हैं, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम हमारी समझ में नहीं आता, शरीयत हमारी समझ में नहीं आता, दीन हमारी समझ में नहीं आता, खुदा की कसम अगर इन दुआओं को अगर हम सही से तिलावत करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, गौर फिक्र करें, तो हमें दीन समझ में आएगा, हमें इस्लाम समझ में आएगा। अजीजों सिर्फ दुआएं हैं, एक मांगने का जो है तरीका नहीं बताया गया है, सिर्फ हमें यह नहीं बताया गया किस तरह से मांगे, बल्कि इन दुआओं में हमें जीने का सलीका बताया गया है।
इन दुआओं में हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है, इन दुआओं के जरिए से हमें इस्लाम बताया गया है, इन दुआओं के जरिए से हमें शरीयत की तरफ जो है मुतवज्जे किया गया है। और ये दुआएं हैं कि जो हमारी जिंदगी का महासल है। आप गौर करें कि दुआओं में हमें गौर करना है, तदब्बुर करना है, तफक्कुर करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अगर मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, हम अपने रब से गिड़गिड़ा रहे हैं तो क्या गिड़गिड़ा रहे हैं, हम किस तरह से उसकी हमदो सना कर रहे हैं, किन अल्फाज के जरिए से हम उसकी हमदो सना कर रहे हैं, किस अल्फाज के जरिए से हम जो है उससे जो है दुआ तलब कर रहे हैं। हमें जरूरी है कि हम गौर करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम फिक्र करें। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे समाज, हमारे माशरे में लोग सिर्फ दुआओं को सुनने पर इक्तफा करते हैं। सुबह जुमा आती है तो जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारा जो है बरनामा होता है, उसी के मुताबिक हम दुआ पढ़ देते हैं, मौलाना दुआ पढ़ते हैं, लोग जो है उनते हुए दुआ को सुन लेते हैं, उसके बाद मजमा चला जाता है। इसी तरह से और भी दीगर जब अय्याम आते हैं तो लोग इसी तरह से दुआओं को पढ़ते हैं जैसे हमारा आम रूटीन है, इसलिए कि हमने अपनी इबादतों को रस्मी बना लिया है। इसलिए माह मुबारक रमजान है, माह मुबारक रमजान आता है, कुरान खुल जाते हैं, लोग कुरान की तिलावत करते हैं और एक दूसरे पर जो है तफाखुर करते हैं, फख्र करते हैं। कोई कहते हैं मेरा एक कुरान खत्म हुआ, कोई दो कहता है, कोई कहता है मैंने 10 कुरान खत्म कर लिए। लेकिन यकीनन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जिसने 10 कुरान खत्म किया है, क्या उसने कुरान की 10 आयतों को समझा है? इस पूरे माह मुबारक रमजान में जिसने कई सारी दुआएं पढ़ ली, क्या उसने किसी एक छोटी सी दुआ को समझने की कोशिश की है? इमाम क्या कह रहे हैं, अपने रब से क्या मांग रहे हैं, अपने रब की किस तरह से हम जो सना कर रहे हैं। अजीज और दोस्तों, याद रखिए कि इन दुआओं को समझने की कोशिश करें। ये सरमाया जो हमारे पास है किसी और के पास नहीं है। आप देखिए कि इस माह मुबारक रमजान में जो अजीम दुआएं हम तक पहुंची है, उन दुआओं में एक अजीम दुआ जिसका नाम दुआए अबी हमजा समाली। अबी हमजा समाली की जो इमाम सज्जाद के अजीम शागिर्दों में से हैं, ये दुआ उन्हीं से जो है मंसूब है। और इस दुआ को वाकई पढ़ें, कोशिश करें, जिस तरह से मैं बार बार करें, दुआ कुमैल समझने की कोशिश करें, दुआ इफ्तिताह समझने की कोशिश करें, दुआ तौबा समझने की कोशिश करें, दुआ मकारिमुल अखलाक समझने की कोशिश करें। कितना कीमती सरमाया, कैसे कैसे अल्फाज हैं। अजीज और दोस्तों, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तमाम उन दुआओं के अल्फाज, उन कलमात की तरफ आपकी निशानदेही कर सकूं, आपको मुतवज्जे कर सकूं। लेकिन फिर भी चंद जुमले इस बाबरकत दुआ के कि इमाम जब बारगाह खुदावंदी में आते हैं तो वाकई खुदावंदी आलम की पहले हम्द व सना, जैसा कि कल मैंने बयान किया कि इमाम मासूमीन का तरीकेकार ये था कि जब भी दुआ करते थे तो पहले हम्द परवरदिगार से आगाज करते थे, फिर अपनी तमाम कमियों का, अपने खताओं का और अपनी तमाम चीजों का इजहार करते थे, नातवानी का इजहार करते थे, और फिर उसके बाद अपनी हाजतों को और अपनी तमाम दुआओं को खुदावंदी आलम की बारगाह में तलब करते थे। इसी तरह से आप इस दुआ में देखेंगे कि दुआ अभी हम सिबानी में भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यही काम किया है कि सबसे पहले खुदावंद आलम की तारीफ और तौसीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदूहु, सबसे पहले खुदावंद आलम की तारीफ और तौसीफ बयान की और उसके बाद खुदावंद आलम की सिफात और कमालात को बयान किया है। क्या आवाज थी, इलाही रब्बतनी फी नअमका, परवरदिगार तूने अपनी नियमतों के साए में मेरी परवरिश की है। खुदा की कसम, ये वो जुमले हैं कि जो हमें खुदावंद आलम से करीब ले जाते हैं, जो हमें खुदावंद आलम की मारिफत, खुदावंद आलम की एहसान, खुदावंद आलम के करम, खुदावंद आलम के रहम, खुदावंद आलम के लुत्फ व करम को याद दिलाते हैं। क्या फरमाया है इमाम, इलाही रब्बतनी, परवरदिगार आलम तूने जो मेरी तरबियत की है, अपनी नेमतों के साए में मेरी तरबियत की है, और न सिर्फ ये कि मैं अपनी नेमतों के बल्कि तेरे फजल, तेरे एहसान के साए में, जबकि मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो तूने इस बचपने के आलम में अपनी नेमतों से मुझे नवाजा। न जाने कैसी कैसी नेमतें अता की, वालिदैन जैसी नेमतें अता की, जब मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे हाथ पैर चलने के लायक नहीं थे, पर वो दिगान तूने वालिदैन जैसी नेमत दी कि जो मुझे खिलाते थे, जो मुझे पिलाते थे। खुदा की कसम, खुदावंद आलम के एक लुत्फ करम ये भी है, इस दुआ से मैं पता चलता है कि बचपन में खुदावंद आलम जब हम नातवान होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, कमजोर होते हैं, न हाथ हिला सकते हैं, न पैर हिला सकते हैं, न कोई चीज छू सकते हैं, खुदावंद आलम ने वालिदैन जैसी नेमत दी जो हमें खिलाते हैं, जो हमें पिलाते हैं।
तो इमाम इस दुआ के जरिए हमें बता रहे हैं कि खुदावंद आलम का रहम करम बचपन में ये है कि उसने खुदावंद आलम ने अपनी नियामतों के साय में, अपनी करामतों के साय में, अपने फजल के साय में हमारे परवरिश की। और इन दुआ में इमाम अलैहिस्सलाम हमें याद दिला रहे हैं, परवरदिगार तेरी हमद व सना में जो कर रहा हूं, किस बिना पर कर रहा हूं, फलकल हमद अला हिलमक बाद इल्मक, परवरदिगार आलम तुझे सब पता है कि मेरी खताएं क्या है, तेरी नियमतें फरावान हैं, तूने बहुत सारे हम पर नियमतें दी हैं, वालिदैन जैसी नियमत, वजूद जैसी नियमत, और ना जाने कितनी नियमत का हम शुमार भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद तू हम जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे गुनाहों को जानता है, मेरी खताओं को जानता है, लेकिन फिर इसके बावजूद तेरा हिल्म, तेरा करम, तेरे अता, तेरा फजल मेरे साथ जारी और सारी है। लिहाजा परवरदिगार आलम तेरे इस हिल्म पर तेरी तमाम हम तमाम तौसीफ मैं हम्द व सना कर रहा हूं। इमाम वाकिन जो जुमले इस्तेमाल कर रहा है, आप गौर करें, वह आला अफ़ का बात कुदरत, और परवरदिगार मैं जब गुनाह करता हूं, जब मैं गलती कर रहा हूं, जब मुझसे गलतियां सादे हो रही हैं, गुनाह सरजद हो रहे, और तू तो इस बात पर कुदरत रखता है कि मुझे सजा दे, लेकिन परवरदिगार तू ऐसा करीम है, तू ऐसा रहीम है कि तू मुझे मेरे गुनाहों पर माफ कर देता है। असीजे न जाने ऐसे कितने गुनाह हैं, इसी दुआ में इमाम ने फरमाया है न जाने कितने ऐसे दुआ गुनाह हैं कि जो हमारे और खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, अगर लोगों को मालूम हो जाए हमारे गुनाह तो लोग हमें जलील कर दे, रुसवा कर दे, हमें कहीं का ना छोड़े, लेकिन परवरदिगार हमारा कितना करीम है, हमारा रब कितना रहीम है कि हमारे उन गुनाहों को जानने के बावजूद भी, हमारे उन खताओं को जानने के बावजूद भी वो दरगुजर से काम लेता है, वो माफी से काम लेता है, वो तलाफी से काम लेता है। ऐसा नहीं है कि वो कुदरत नहीं रखता, अगर हमें चाहे तो गर्क कर दे, अगर हमें चाहे तो मिटा दे, अगर हमें चाहे तो खत्म कर दे, अगर हमें चाहे तो जलील रुसवा कर दे, उसके पास इतनी कुदरत और ताकत है, लेकिन इतनी कुदरत और ताकत के बावजूद हमारे गुनाह हमारी गलतियों पर खुदावंद आलम सबसे पहले काम ये करता है कि पर्दापोशी करता है, सत्रपोशी करता है, इसीलिए सत्तार उलूब कहा जाता है। और दूसरा काम ये होता है खुदावंद आलम की अताओं में से, उसके रहम करम में से, कि वो हमारे गुनाहों को दरगुजर और माफ करता है। सत्तार है, पहले तो पर्दापोशी करता है, फिर उसके बाद गफ्फार है कि हमारे गुनाहों को माफ करता चला जाता है, अगरचे हमारे गुनाहों पर सजा देने पर वो कादिर है। और वाकई इमाम की दुआओं में गौर करें तो हमें पता चलता है कि किस किस तरह से इमाम ने अपने खुदा को याद किया है। या गफ्फारो बिनूर का एहतदैना, है वो कि जो गुनाहों को बख्शता है या गुनाहों को माफ करता है, तेरे ही नूर के जरिए से हम हिदायत पाते हैं। वाकई वो खुदा का नूर के जो जमीन और आसमान में है, वो खुदा का नूर के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, या इन दुआओं की शक्ल में, कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इन्हीं के जरिए से हम हिदायत पाते हैं, और उसी के फर्ज और उसी के करम से हम जो है तमाम कायनात से मोहताज हो जाते हैं। आप जरा सोचें, एक लम्हे के लिए गौर करें कि खुदावंद आलम अगर एक लम्हे के लिए हमें दूसरों के हवाले कर दे तो दूसरे हमारी क्या हालत कर देंगे। इसी दुआ में दुआ अमीर हमजा शमाली में एक जगह इमाम ने इजहार किया कि परवरदिगार एक लम्हे के लिए भी हमें दूसरों के हवाले मत करना, इसलिए अगर खुदावंद आलम ने हमें दूसरों का मोहताज बना दिया तो जरा सोचिए कि हमारी क्या हालत होगी। कभी आप देखें कि आपको अगर थोड़े से पैसों की जरूरत होती है, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी इंसान के पास जाते हैं और जाने के बाद जब आप उससे मांगते हैं तो पहले तो वो अकड़ता है, गुरूर करता है, न जाने कितनी बार आपको जो है जलील और रुसवा करता है, या फिर ये होता है कि कई मरतबा जो है आपको खाली हाथ पलटना पड़ता है, फिर उसके बाद आखिर में जाकर कहीं आपको चंद दिरहम, चंद दीनार, चंद पैसे मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है, कभी ऐसा होता है कि उसका दरवाजा बंद है, कभी वो सोया हुआ है, कभी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन खुदावंद आलम कभी आपको जलील और रुसवा नहीं करता। जब भी आप उसकी बारगाह में जाते हैं मांगते हैं, हम उसने तो आवाज दी है कि वला युग़लक बाबो, कि उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आप दुआ इख्तिताम यही पढ़ते हैं कि उसका दरवाजा हमें वक्त खुला होता है। और कितनी अजीम खुदावंद आलम की जात है, जरा सोचिए तो सही,
दुनिया के दरवाजों पर, हाकिमों के, सुल्तानों के, बादशाहों के दरवाजों पर जाने के लिए हमें न जाने कितनी जुल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस अजीम सुल्तान, उस अजीम खुदा की बारगाह में आने के लिए न तो हमें किसी जुल्लत का सामना करना पड़ता है, न किसी रसवाई का सामना करना, बल्कि जब भी हम खुदा की बारगाह में आए, खा दिन में आए, रात में आए, सुबह में आए, शाम में आए, किसी वक्त भी आए, इसीलिए दुआ में हम पढ़ते इलाही कद गालत नजूम नामत अलून, परवरदिगार सब लोग सो रहे हैं, सितारे ढल चुके हैं, खामोश हो चुके हैं, लेकिन तू है कि जो जाग रहा है, सारे दरवाजे रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन ना आपके हमारे परवरदिगार उस रब का दरवाजा रात में भी खुला रहता है। लिहाजा अजीजो, इस दुआ हबी हमजा शिमाली के कलिमात में गौर करें कि इमाम ने हमद सना के बाद परवरदिगार आलम से दुआ तलब की कि परवरदिगार तूने जैसे कि दुआ का हुक्म दिया, हमने दुआ की, परवरदिगार हम तेरी बारगाह में आए हैं, परवरदिगार आलम हम तेरी बारगाह में आए हैं, सैयदी अना सगीर अल्लज़ी रबबतु, परवरदिगार मैं छोटा हूं और ऐसा छोटा कि जिसने कि जिसकी तूने परवरिश की है, वह अना जाहिल अल्लज़ी अल्लमत हूं और वह मैं जाहिल हूं, यानी एक ऐसा छोटा इंसान, आप सोचो चौथा इमाम जो इतनी कायनात की अजीम जात है जब बारगाह परवरदिगार में आ रहा है तो अपने आप को सगीर कह रहे हैं। इसी तरह से आप जब मुनाजात अमीर अल मोमिनीन पढ़ते हैं तो वहां भी आपको यही जुमले मिलते हैं, जब दुआ अरफा पढ़ते हैं तब भी आपको यही जुमले पढ़ते हैं मिलते हैं, इमाम हुसैन यही कह रहे हैं, आप दुआ कुमाल पढ़ते हैं आपको यही जुमले, यानी हर इमाम की जबान से यही कलमात चाहिए, परवरदिगार हम छोटे हैं लेकिन तूने हमें जो है बड़ा बनाया, तूने हमें जो है परवरिश की, तूने हमें जो है तमाम चीजें अता की, तू ये है हम ये हैं, और वाकया इमाम ने फरमाया कि मैं जाहिल था तूने हमें तालीम दी, मैं जो है नहीं जानता था तूने मुझे सिखाया, मैं जो है पस्थर था कमतर था तूने जो है मुझे अजीम बनाया, मैं जो है खाइफ था तूने जो है मुझे अमन अमान अता किया, मैं भूखा था तूने जो है मेरा पेट भरा, मैं प्यासा था तूने मुझे सैराब किया, मैं ज़ाइफ था तूने मुझे कवी किया, मैं ज़लील था तूने मुझे इज्जत बख्शी, मैं जो है सकीम था बीमार था तूने मुझे शिफा अता की, मैं मांगने वाला था और तू अता करने वाला था, मैं गुनहगार था तूने मेरी पर्दापोशी की, मैं गुनहगार था तू माफ करने वाला है, मैं खाती हूं तू जो है मुझे सजा देने के बजाय मेरी गुनाहों पर मुझे माफ करता है, मुझे जो है मजीद अता करता है, मैंने तेरी बारगाह में कलील दिया है लेकिन तूने जो भी दिया है मुझे कसीर दिया है, यानी मेरा अमाल कि जो मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं बहुत कलील है लेकिन तेरी अता, तेरा जूद, तेरा करम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हम इमाम से सीखते हैं कि जो कुछ भी हम गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, इतनी तस्बीह पढ़ ली है, मैंने इतने हज कर लिए, मैंने इतनी ज्यारत कर ली, मैंने इतना खुम्स दे दिया, मैंने इतनी ज़कात अदा की, मैंने रजब में भी रोजे रख लिए, जितने भी हम इबादत करें चौथे इमाम से ज्यादा हमारी इबादत नहीं हो सकती। कि जिसको सैयद सज्जाद कहा गया है, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया है कि जो इबादतों की जो जीनत है, जो सजदों के जो सरदार और जीनत है, वो भी जब खुदा की बारगाह में कि जिसके सजदों की कोई इंतहा नहीं है, जिसने हर नेमत पर छोटी से छोटी जब नेमत मिलती थी तो हमारा इमाम चौथा इमाम सजदा करता था, वो इमाम जब परवरदिगार की बारगाह में आने के बाद जब ये कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने तुझे अता दिया है वो बहुत कम है और तेरी अता जो है कि जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, तो हम गौर करें कि जब इमाम का ये आलम है कि इमाम अपनी इबादतों पर फख्र नहीं कर रहे हैं बल्कि इजहार इनकसारी कर रहे हैं, तो हमारी इबादतों का शुमार ही नहीं कि ना जाने अपनी जिंदगी हमने कितनी इबादतें की, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें गौर नहीं करना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए परवरदिगार आमाल ना कलील, हमारे आमाल बहुत कम है, हमारी इबादतें बहुत कम है, तेरी बारगाह में हमने बहुत सर को कम झुकाया है, तेरी बहुत कम इताअत की है, लेकिन तूने हमें जो दिया है हम उसको शुमार भी नहीं कर सकते। ये दर्स इमाम हमें दे रहे हैं, वाकई अजीज और दोस्त वक्त नहीं है, बस आप दुआ में गौर करते थे क्या क्या इमाम ने अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त सवाल बुलंद करते वक्त आवाज दी। उसके बाद इमाम के जुमले हैं कि परवरदिगार आलम मैं जानता हूं कि तुझे मुझे माफ करने वाला है,
लिहाजा मैं तेरी बारगाह में आया हूं, सवाल कर रहा हूं कि मुझे तमाम लोगों के शर से महफूज रख, मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर। और इसके बाद इमाम कहते अल्लाहुम्मा आतिन सा फिर रिस्क है, परवरदिगार आलम जबकि मैं जानता हूं कि तेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी परेशानियों को, जो मेरी मुसीबतों को दूर कर सके, लिहाजा मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं कि मेरे रिस्क में वसअत अता फरमा। वाकई अगर हमें रिस्क में वसअत चाहिए तो अपने परवरदिगार की बारगाह में आए और इन दुआओं के जरिए से दस्त सवाल बुलंद करें। अगर खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ कोई माशी किसी के यहाँ कोई परेशानी है, कर्जों में मुब्तला है, खुदा ना खास्ता बिजनेस में कोई इंसान की रुकावट है, तो आए इस दुआ या भी हमजे इस्तेमाली के जरिए से रो कर गड़गड़ा कर अपने परवरदिगार की बारगाह में सवाल करे, अल्लाहुम्मा आतनी अस्सियाते फिर रिस्क, परवरदिगार मैं तुझसे जो है सवाल कर रहा हूं कि मुझे अता कर, क्या अता कर, मेरे रिस्क में वसअत अता कर। वल अमना फिल वतन, और जानते हैं कि आज बड़ा पूरा अशोक दौर है, हर जगह जो है सख्तियां हैं, परेशानियां हैं, खौफ है, हिरास है। अगर वाकई अमन अमान चाहते हैं तो आए परवरदिगार आलम की बारगाह में, खुदावंद आलम की बारगाह में इमाम के वसीले से, इस दुआ के वसीले से दुआ करे, वल अमना फिल वतन, परवरदिगार हमारे वतन में अमन अमान अता कर। वह कुर्रत अल आइन फिल अहले, परवरदिगार मेरे अहले आयाल में। अजीज और दोस्तों आप याद रखिए कि आप जानते हैं कि औलाद कभी इंसान के लिए सख्ती और मशक्कत का सबब होती है, बीवियां कभी मशक्कत और जहमत का सबब बन जाती हैं, कभी आंखों की ठंडक होती है यही औलाद, यही औलाद कभी जो है इंसान के लिए जो है आंख की ठंडक बन जाती है, यही औलाद कभी आंख का कांटा बन जाती है, यही बीवियां कभी आंखों की ठंडक होती है, यही बीवियां कभी आंखों का कांटा बन जाती है। इसीलिए कुरान मजीद में भी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी दुआ हुई थी, इसी दुआ को मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी आयत को दुआ के बतौर पढ़ते थे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन, कि परवरदिगार हमारी अजवाज को, हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक करार दे। इसलिए कि मुमकिन है कि ये औलाद की ये बीवियां कभी आंखों की ठंडक बन जाए, अगर सही है, अच्छे हैं, नेक हैं तो आंखों की ठंडक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बददीन है, बदकिरदार है, बेदीन है, तो बजाइए कि आंखों की ठंडक यही औलाद यही बीवियां हमारे आंखों का कांटा बन जाती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी जुर्रियत, हमारी अजवाज, हमारी औरतें, हमारे घर वाले, हमारे अहल औयाल हमारी आंखों की ठंडक बन, तो आइए इमाम सज्जाद की इस दुआ के जरिए से परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार वह कुर्रत अल-आइन फिल अहल वल माल वल वलद, और न सिर्फ ये कि हमारी आंखों की ठंडक हमारे अहल औयाल में करार दे, नहीं बल्कि माल को भी हमारे लिए आंखों की ठंडक करार दे, हमारी औलाद को भी हमारे आंखों की ठंडक करार दे। यकीन ये माल भी हमारे लिए सख्ती और मुसीबतें लाता है, लिहाजा इस माल को भी, इस औलाद को भी और हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक करार दे। और इसके साथ साथ इमाम फरमाते वस्सेहत फिल जिस्म, परवरदिगार आलम मुझे अपने जिस्म में सेहत, आप जानते हैं कि सेहत बहुत बड़ी नियमत है, इसलिए रवायत में हदीस में भी आया है अल आफियतु नियमतुन खफिया, कि आफियत और सेहत इंसान की पोशीदा नियमत है, जब होती है तो इंसान उसको याद नहीं करता और जब यही नियमत चली जाती है तो इंसान उसको याद करता है। वल कुव्वत फिल बदन, और जिस्म में सेहत और बदन में कुव्वत अता फरमा। सलामत फिर दीन, और इमाम ने दुआ की कि परवरदिगार मेरे दीन में सलामती अता कर। अजीज और दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा दीन सलामत रहे, इसलिए कि हम पैदा चाहे दीन पर हों, चाहे हम पैदा जो है अहले बैत के चाहने वाले हों, लेकिन हमारा अख्तिताम, हमारी एंडिंग, हमारी मौत जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन पर हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुआ इमाम सज्जाद की आप जरूर पढ़ें, चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी दुआ की जो है आप हजरात के सामने तौसरी करूं, तौजी करूं, लेकिन आप इन जुमलों पर गौर करें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इन जुमलों के जरिए हमें क्या याद दिलाया है, कि हम किस तरह से दुआ करें, किस तरह से अपने परवरदिगार की बारगाह में आए, न सिर्फ ये कि आए बल्कि रोए, गड़गड़ाए, फरियाद करे, मांगे, इसलिए कि वहां देने की कोई कमी नहीं है, उसका दरवाजा हमारा वक्त खुला है, उसके यहां कोई भी कमी नहीं है। और न सिर्फ ये कि हम ये भी तसव्वुर ना करें कि परवरदिगार आलम न जाने दुनिया में करोड़ों लोग मांग रहे हैं कि हमारी आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती,
ऐसा नहीं है, हर एक की आवाज खुदावंद आलम की बारगाह तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है ये हमारे यहां होता है कि जब हम एक आवाज सुनते हैं तो दूसरी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन खुदा की हां या मन ला यशगुलहुम समउन अनसम, खुदा की वो जात है कि जब ऐसा नहीं है कि एक बात सुनता है तो दूसरी बात नहीं सुनता। नहीं, दुनिया में अगर करोड़ इंसान एक ही वक्त में अगर उसको पुकारते हैं तो परवरदिगार उन करोड़ इंसानों की आवाज को एक ही वक्त में, एक ही लहजे में, एक ही आन में सबकी आवाजों को सुनता है। ये उसकी कुदरत है। और कितना खुदावंद आला हमसे करीब है इन्हीं दुआओं ने हमें बताया। दुआ जोशन कभी दुआ जोशन सगीर वाकई इन दुआओं ने हमें बताया कि हमारा रब इतना करीब है, कितना करीब है कि वो हमारे दिल और हमारे दिल में पैदा होने वाले तमाम बातों को जान लेता है। इतना करीब है, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी ख्याल करते हैं, खुदा हमसे इतना करीब है। और यकीन कुरान ने लिखा यह मुतजाद सिफत खुदावंद आलम की है, एक ही वक्त में करीब भी है, एक ही वक्त में दूर भी है। इतना करीब है कि हमारी जो सांस चल रही है उसको भी जानता है, हमारी जो आवाज निकल रही है उसको भी जानता है, हमारे जहन में जो ख्याल आ रहा है उसको भी जानता है, हमारे दिल में जो ख्वाहिशात पैदा हो रही है उसको भी जानता है। इतना करीब है और इतना बईद कि हम उसे देख नहीं सकते। यानी गोया एक ही वक्त में वो बईद भी है और करीब भी। तो वो खुदावंद आलम हमसे इतना करीब है कि हमारी सांसों तक के खुदावंद आलम उसको वाकिफ है। तो आइए इन दुआओं के जरिए से कि जिन्होंने हमें मांगने का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमें तलब करने का तरीका सिखाया, और ये नहीं जिन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया, तो न सिर्फ ये कि हम दुआओं को सिर्फ मांगने का जरिया करार दें। मेरी आपसे फिर गुजारिश है मोमिनीन, मेरे भाई जहां जहां भी लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप गौर से सुने, जो लोग सुन रहे हैं दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करें कि सिर्फ दुआओं को एक मांगने का तलब हाजत का जरिया करार ना दे, बल्कि इसके जरिए से अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने अखलाक, अपने दीन, अपने अकायद को दुरुस्त करने की कोशिश करें। इसलिए कि ये दुआएं हैं कि जो हमें तमाम चीजों को सिखाती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारे समाज, हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी में अहले बैत के चाहने वालों ने सिर्फ दुआओं को अपनी हाजतों और मांगने के लिए सिर्फ रखा है कि आज अगर हमें कोई चीज तलब करना है तो हम दुआ मांगते हैं, अगर कोई मुश्किल है तो दुआ मांगते हैं, कोई परेशानी है तो दुआ मांगते हैं। अजीजों ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुआएं वो हैं कि जो हमारी जिंदगी का महासल है। आइए खुदावंद आलम की बारगाह में अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले थे, खुदावंद आलम की जात के वसीले से आमाल शबे कद्र में आप इसी की इन्हीं कलमात के जरिए से खुदा को याद करते हैं। बेका या अल्लाह हो परवरदिगार आलम, तुझको तेरा वास्ता देते हैं, तेरे सिफात का वास्ता देते हैं, तेरे कमालात का वास्ता देते हैं। परवरदिगार हमें तुझसे तेरी बारगाह में सही तौर पर मांगने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे अहले बैत के वसीले से तेरी बारगाह में हम ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें तौफीक दे, हम जाहिल हैं, हम नादान हैं, हम नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं है, परवरदिगार हमने अहले बैत से सीखा है, परवरदिगार हमारी जैसी भी इबादतें हैं यकीनन उसमें नक्स है, यकीनन उसमें आयब है, यकीनन उसमें कमियां हैं, लेकिन परवरदिगार तू अजीम है, तू बहुत बड़ा है। परवरदिगार तू हमारी इन कमियों को कबूल फरमा, इन मुख्तसर आमाल को जो हम माह मुबारक रमजान में अंजाम दे रहे हैं जिनमें बहुत सारे नकायस है, लेकिन परवरदिगार अपने जूद, अपने करम, अपनी सखा, परवरदिगार इन तमाम के तहत इन तमाम हमारे आमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार यकीनन हम अपनी जहालत की बिना पर बहुत से गुनाह करते हैं, यकीनन शैतान मलून की बहकाने में आकर हम बहुत से गुनाह करते हैं, तेरी बारगाह में तुझसे सरजनिश करते हैं, लेकिन परवरदिगार जिस तरह से एक बाप अपने बेटे नाफरमान बेटे का इंतजार करता है कि वो पलट कर आए, इसी तरह से तू अपने बंदों का इंतजार करता है कि वो कब तेरी बारगाह में पलट कर आए, तेरी बारगाह में तौबा करे, तेरी सरजनिश से जो दूर हो चुके हैं दोबारा तेरी बारगाह में लौट कर आए। परवरदिगार तूने अपने दरवाजे
दरवाजों को तौबा के खुले रखे हैं, महान मुबारक रहमान ने इस्तग़फ़ार के दरवाजों को खोल दिया है। परवरदिगार हम गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में मुख्तसर से आमाल लेकर अपने गुनाहों का बोझ लेकर तेरी बारगाह में आए हुए हैं। परवरदिगार आलम हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार जो कुछ भी गुनाह हमसे हो चुके हैं परवरदिगार आलम, हम तुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम का कि जिनका वसीला सबसे अजीम वसीला है, उस वसीले से दुआ करते हैं कि इन गुनाहों से दरगुजर फरमा। परवरदिगार आलम जहाँ कई शेन हैदर कर्रास हुए जमीन पर मौजूद है, परवरदिगार उन सब की जान माल इज्जत आबरू की अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से बिलखसूस पैगंबर अकरम उनकी औलाद उनके तमाम घर वालों के वसीले से दुआ करते हैं। परवरदिगार जहाँ कई शेन हैदर कर्रार है उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मोमिन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगार आलम जिनके यहाँ औलाद नहीं है परवरदिगार तुझे वास्ता जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का, बाबुल हाज मौला अबुल फजल अब्बास का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता। परवरदिगार जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद अता कर। परवरदिगार जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेक साले और बेहतरीन और उनके लिए सरमाया आखरत करार दे। परवरदिगार जो लोग मकरूज हैं परेशान हाल है जहां कहीं भी मोमिनीन सख्तियों में परेशानियों में मुबतला है, बिलखसूस आज की इस मुसीबत के हंगाम में जो लोग भी परेशानियों में, परवरदिगार इस माह मुबारक रमजान के सदक़े में, इसकी शबों के सदक़े में, इसके लहजात के सदक़े में, इसके रातों के सदक़े में और उस रात के सदक़े में कि जिसमें तूने कुरान को नाजिल किया कि जिसको शब कद्र कहते हैं, परवरदिगार तमाम मोमिनीन की परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमा। जो मरीज हैं उनको शफा अता फरमा और जो शफा याब हैं उनको शफा कामिला। परवरदिगार तेरी तरफ से तेरे रसूल की तरफ से तेरे मासूमीन की तरफ से परवरदिगार जहाँ कहीं भी दुनिया में शियान हैदर कर्रार है उन सब को वो दिन देखना नसीब फरमा कि जिस दिन के इंतजार में सारी दुनिया है और वो दिन ज़हूर हजरत बकीयतुल्लाह अलाबन अरवानहु अलवाहुनालहुल फिदा है। परवरदिगार हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक जिंदा रख और परवरदिगार अगर हम जिंदा रहे तो उनके असहाब अंसार और मुखलिस खादिमों में शुमार फरमा। अगर हम मर भी जाएं जैसा कि हम दुआए हज में पढ़ते हैं तो परवरदिगार जब भी मौला आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़हूर हो तो हमें दोबारा जिंदा रखना ताकि हम आपके खादिमों में आपके नौकरों में आपके असहाब में आपके अंसार में आपकी इस्तेआनत आपकी मदद कर सके। परवरदिगार ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तआज़ीम फरमा, हम सबको इमाम के खास और खालिस खादिमों में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन्नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा।